Hello, good morning student. Welcome to Sri Shraddha English Medium School. Last lecture में हमने exercise number 3.3 complete की थी. Now आज उसके बाद की हमारी जो next exercise है, exercise 3.4. सबसे पहले उसका हमें topic learn करना होगा HCF. अब HCF क्या होता है वो हम देखते हैं. सबसे पहले highest common factor, आपको HCF का फुल फॉर्म आना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. उसमें हमें सबसे पहले हमारी जो मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. HCF टू मेथड से फाइंड कर सकते हैं. तो उसमें हमारी फर्स्ट मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसके थ्रू हम सम सॉल्व करेंगे. सबसे पहले फाइंड द HCF ऑफ 12, 28 एंड 36. हमें क्या करना होगा, 12 के फैक्टर निकालने होंगे डिवीजन करकर. आपको पता ही है जो प्राइम फैक्टर हम निकालेंगे, तो देखो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, बाय 3 को 1 के साथ डिवाइड किया, लास्ट में 1 तक आए, तब तक हमें क्या करना है उसके फैक्टर्स निकालने हैं. तो 12 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3. 28 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7. और 36 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3. सो सभी के फैक्टर हमने लिख लिए. अब HCF में हमें क्या करना है देखो. चलो सबसे पहले HCF में हमें क्या करना है, सभी में जो कॉमन वो फैक्टर हमें लेने हैं, सभी में जो कॉमन. तो देखो यहाँ देखो, यहाँ 2 कितनी टाइम है, 2 टाइम्स है. 28 में भी 2 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम. और 36 में भी 2 कितनी टाइम है, 2 टाइम. तो हमारा HCF क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2, तो हमारा आंसर क्या होगा, 4. ये हमारी थी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. नाउ नेक्स्ट है हमारी लॉन्ग डिवीजन मेथड, उसके बारे में हम लर्न करेंगे. सो लॉन्ग डिवीजन मेथड आप देखो वो थोड़ी डिफिकल्ट है, सो अच्छी तरह से ध्यान देना. तो सबसे पहले आपको बेसिक कुछ याद होना चाहिए कि हम डिवीजन करते हैं कि 60 को 48 के साथ डिवाइड करते हैं. तो 48 हमारा क्या होगा, डिवाइजर. क्या होगा, डिवाइजर. 48 हमारा क्या होगा, डिवाइजर. 60 हमारा क्या होगा, डिविडेंड. क्या होगा, डिविडेंड. 12 हमारा क्या होगा, रिमाइंडर. क्या होगा, रिमाइंडर. और 1 हमारा क्या होगा, क्वेश्चन. सो सबसे पहले मैं 48, 60 एंड 84 उसका हमें HCF फाइंड करना है. तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले हम 48 एंड 60 को लेंगे. क्या करेंगे हम, 48 एंड 60 उसको हम लेंगे. जो सबसे पहले 60 वो हमारा क्या होगा, डिविडेंड. और 48 हमारा क्या होगा, डिवाइजर. तो 48 वन जा 48, 60 में से 48 चला गया तो क्या बचेगा, 12. अब ये हमारा जो रिमाइंडर है ना वो हमारा क्या बन जाएगा, डिवाइजर. क्या बन जाएगा, डिवाइजर. याद रखना है रिमाइंडर हमारा क्या बन जाएगा, डिवाइजर. और जो हमारा ये पहले वाला जो डिवाइजर था वो हमारा क्या बन जाएगा, डिविडेंड. जो हमारा पहले वाला जो डिवाइजर था वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड. 12 4 जा 48 में से 48 चला गया तो क्या होगा, 0. सो हमारा HCF क्या आया, 12. अब उसको अब 84 हमारा जो नेक्स्ट जो नंबर बाकी था ना उसके साथ करते हैं. 12 हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइजर. 84 हमारा डिविडेंड. तो 12 7 जा 84, तो 0 आ गया. 84 में से 84 कट हो गए तो हमारा HCF क्या होगा, 12. तो ये हमारी थी सक्सेसिव डिवीजन मेथड. उसमें हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो नंबर्स दिए होंगे उसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है. सबसे छोटा नंबर को हमें पहले डिवाइजर बना देना है और उसके बाद का डिजिट को डिविडेंड. 48 1 जा 48, 60 में से 48 चला गया तो 12. अब 12 जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या बन जाएगा, हमारा डिवाइजर बन जाएगा. और ये हमारा 48 वो हमारा डिविडेंड. 12 4 जा 48, 48 में से 48 चला गया तो 0. अब हमारा जो बाकी बचा हुआ नंबर 84 उसको लेंगे. 12 7 जा 84, 84 में से 84 चला गया तो 0. तो ये दो मेथड थी हमारी. नाउ उसके रिलेटेड हम सम देखने वाले हैं.
सो सबसे पहले क्या करना है देखो, चलो हमारा सम एक्सरसाइज 3.4। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है कौन सी मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जो यहाँ फर्स्ट आपको दिया गया 80 एंड 112, तो सबसे पहले हमने 80 के फैक्टर निकाल दिए और फिर 112 के प्राइम प्राइम नंबर से हम क्या करेंगे, फैक्टर फैक्टर निकालेंगे। प्राइम नंबर कौन से, 2, 2 से बड़ा 3, 5, 7, 11, वो सभी हमारे क्या है, प्राइम नंबर 11, 13। तो हमने चलो 80 है तो उसको पहले 2 के साथ डिवाइड किया तो 40 आया, 40 को फिर से 2 से डिवाइड होगा तो 20, 20 2 से डिवाइड होगा तो 10, 10 है वो 2 से डिवाइड होगा तो 5। अब देखो वो 5 है, अब कौन से डिवाइड होगा, 5 से, तो 5 1 5, तो ये हमारे क्या हो गए फैक्टर, 2 × 2 × 2 × 2 × 5। इसी तरह 112 के फैक्टर दिए गए, अब दोनों में कॉमन क्या है, 2 कितनी बार, 4 टाइम्स है, तो हम 2 4 टाइम्स लिख देंगे, 1 2 3 4, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, तो ये हमारा एचसीएफ हो गया। तो इसी तरह हमारे जो क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर सी, डी, वो आपको अच्छी तरह से समझने हैं। ये हमारी जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लर्न की उसी के बेस पर है। नाउ नेक्स्ट ई तक सम है, ई एंड एफ तक हमारे वो सम है, तो आपको समझ। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें हमें सक्सेसिव डिवीजन मेथड यूज करने है। देखो सक्सेसिव डिवीजन मेथड कैसे होगी, देखो 56 और 168 दिया गया, यहाँ 2 ही नंबर दिए गए, तो 56 क्या होगा हमारा डिवाइजर, 168 क्या होगा डिविडेंड, तो 56 3 कितना होगा 168, तो 168 कट हो गए तो क्या होगा 0, तो हमारे एचसीएफ क्या हुआ 56। यहाँ देखो 39 ने 47 दिया गया, तो 39 हमारा क्या होगा डिवाइजर, 47 क्या होगा डिविडेंड, तो 39 1 39, 47 में से 39 चला गए तो 8। अब 8 हमारा जो रिमाइंडर था वो हमारा क्या बन जाएगा, डिवाइजर, और हमारा जो डिवाइजर था 39 वो क्या बन जाएगा डिविडेंड, 8 4 32, 39 में से 32 चला गया तो 7। अब 7 हमारा ये जो रिमाइंडर है वो क्या बन जाएगा डिवाइजर, वो 8 यहाँ से जो 8 है वो हमारा क्या बन जाएगा डिविडेंड, 7 1 7, 8 में से 7 चला गया तो 1। फिर से आगे की हमारा प्रोसेस करेंगे, जो ये हमारा जो डिवाइजर है वो क्या बन जाएगा डिवीजन डिविडेंड, 1 7 7, लास्ट में 0 तक आए तब तक आपको कौन, तो लास्ट आपको कौन सा मिला 1, तो 1 हमारा क्या होगा एचसीएफ। लास्ट जो जितनी हमने स्टेप किए उसमें लास्ट में जो हमारी जो हमारा डिवाइजर रहेगा वही हमारा क्या होगा आंसर। नाउ ऐसे ही एक थोड़ा बड़ा सम वाला करते हैं, देखो ये 3 डिजिट ये सम करते हैं, 128 64 एंड 216। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर 64, फिर 128, फिर 216। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों का पेयर लेंगे, 64 और 128 की भी लेंगे। 128 हमारा क्या होगा डिवाइजर, 64 क्या होगा हमारा, सॉरी 64 हमारा डिवाइजर होगा, 128 क्या होगा डिविडेंड, तो 64 2 128, तो 128 में से 128 चला गया तो 0। नाउ अब 216 उसको क्या करेंगे, 216 हमारा क्या होगा डिविडेंड, 64 क्या होगा डिवाइजर, तो 64 3 कितना होगा 192, तो 216 में से 192 कट करे तो क्या होगा 24। तो रिमाइंडर है वो हमारा क्या बन जाएगा डिवाइजर, और जो ये 64 है वो हमारा क्या बन जाएगा डिविडेंड, 24 2 48, तो 16 आया, फिर से हमारा क्या होगा 16 वो हमारा बन जाएगा डिवाइजर, 24 बन जाएगा डिविडेंड, 16 1 16, तो 24 में से 16 कट हो गया। तो हमारा ये जो 16 है जो रिमाइंडर होता वो हमारा क्या बन जाएगा डिवाइजर,
24 हमारा डिविडेंड, तो 16 वन्स या 16, 24 में से 16 चला गया तो क्या होगा, 8 रहेगा ना, तो 8 वो हमारा क्या बन गया, फिर से हमारा डिवाइजर, 16 हमारा डिविडेंड, 8 टू 16, तो ये हमारा आंसर क्या आएगा, 0। तो लास्ट में हमारा जो था, लास्ट हमारा डिवाइजर क्या था, 8, तो हमारा HCF क्या होगा, 8 होगा। सो इसी तरह के हमारे जो नेक्स्ट सम है, देखते हैं हमारे नेक्स्ट सम्स, जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सम है जो क्वेश्चन 4, तो वो आपको अपने आप करना है। सो यहाँ तक के जो सम्स है वो आपको अच्छी तरह से प्रॉपरली कंप्लीट करने हैं। ये हमारी एक्सरसाइज 3.4 थी, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।